सो आप यहाँ पर सामने चार बाउल्स देख सकते हैं जिसमें चार अलग अलग आइटम्स हैं। पहले मैं बता देती हूँ ये आइटम्स क्या हैं। तो यहाँ पर है ये खसखस, जिसको पॉपी सीड्स बोला जाता है। ये है पीनट्स यानी कि मूंगफली, ये है काजू यानी कि कैशू नट्स, और ये है सिसम सीड्स, वाइट सिसम सीड्स या फिर तिल। ये चारों ही चीज़ें एक पेस्ट बनाने में यूज़ होती है, जिसको वाइट पेस्ट बोलते हैं या फिर कैशू पेस्ट बोलते हैं, काजू पेस्ट बोलते हैं। और ये पेस्ट यूज़ होती है हमारी ग्रेवीज़ में, उनको एक थिक और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। तो ये पेस्ट बनाते कैसे हैं? आप इनमें से कोई एक चीज़ लेकर भी पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आप इन चारों को ले सकते हैं, या फिर आप कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे आपके पास अगर खसखस नहीं है तो आप इसके बिना भी ये तीनों चीज़ों को लेकर भी पेस्ट बना सकते हैं, या ये भी नहीं है तिल तो इन दोनों को लेकर भी बना सकते हैं। तो ये चारों में से आप कोई एक चीज़ भी ले सकते हो, आप चारों ले सकते हो, आप कोई एक या दो चीज़ ओमिट भी कर सकते हो। अब क्वांटिटी वाइज अगर देखने जाए तो आप ये चारों को इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं और इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो अब ये ऐसे ही पेस्ट बनाएंगे हम तो नहीं बनेगी पेस्ट इसकी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम इन चारों चीज़ों को गर्म पानी में भिगो कर रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको भिगो के रखा है, तो कम से कम 10-15 मिनट काफ़ी है। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप ज़्यादा देर भिगो के रखिए, बट मिनिमम 15 मिनट्स काफ़ी है। तो इनको मैं भिगो कर रख चुकी हूँ। 15 मिनट के बाद हम इस तरह का जो छोटा चटनी जार होता है उसमें इसको फाइन पेस्ट बना कर लेंगे। इसी पानी को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पीने का पानी है और इसी पानी में हमने इसको भिगोया था, तो यही पानी हम लेंगे इसको पेस्ट बनाने में यूज़ करने के लिए। तो ये पेस्ट जब बनेगी तो ये हमारी ग्रेवीज़ में हम ऐड करते हैं, या रेस्टोरेंट्स में इसी पेस्ट को ऐड किया जाता है, जिससे कि एक थिकनेस मिलती है आपकी ग्रेवी को, बॉडी मिलती है आपकी ग्रेवी को, और उसके साथ साथ जो क्रीमी मखमली टेक्सचर होता है, जो टेस्ट होता है, वो इससे और बढ़ जाता है। तो ये पेस्ट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी ग्रेवीज़ में। जो मूंगफली ली है वो आप इस तरह से छिलके के साथ भी ले सकते हो, या फिर आप इसके छिलके उतार के भी ले सकते हो। जैसे आपने ऐसे क्रश कर लिया तो इसके छिलके इजीली उतर जाएंगे, तो आप वैसे भी ले सकते हो। मैंने नहीं निकाला है बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, तो ये हेल्दी होता है छिलके के साथ। दूसरा, अगर आपको फिर भी चाहिए निकालना तो इस तरह से मुश्किल हो रहा है सूखे इसमें निकालना, तो आप जब भिगोओगे तो इसके छिलके और भी इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। देखिए कितने इजीली ये छिलके निकल गए हैं। तो अगर सूखे पीनट्स में से छिलके निकालना मुश्किल हो रहा है तो आप भिगोने के बाद भी निकाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि ये छिलके रहने दीजिए बिकॉज़ ये हेल्दी होते हैं, इसमें काफ़ी सारा फाइबर होता है। तो ये है, अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में से ग्राइंड करेंगे और फिर देखते हैं कि इसकी पेस्ट कैसी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट बनाकर ले लिया है, देख सकते हो ये इस तरह की पेस्ट है। मैंने वही पानी यूज़ किया था जिसमें इसको भिगोया था और इसकी पेस्ट बना ली है। ये बहुत स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगी बट ये मैक्सिमम स्मूथनेस है जो इसकी आ सकती है। इस तरह की पेस्ट ही कुछ बनती है, ये इस तरह से इसका टेक्सचर है।